it like that. If I hate you, then I'm someone new. Maybe, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill. What is up friend, this is your Esther Edits and welcome back with another interesting tutorial video. So friend, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक और crazy montage video effect का tutorial लेकर आ चुका हूँ. So friend, आज के tutorial video पर मैं preview की तरह video effect create करना सिखाऊंगा और वो भी एकदम easiest तरीके से only KineMaster पर. So guys, tutorial बहुत ज्यादा interesting होने वाला है. So guys, please video को पूरा देखिएगा and come now, let's start our today's tutorial video without wasting any more time. इस तरीके का वीडियोस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको KineMaster पर आकर 16:9 रेशियो के साथ गेम प्ले वीडियो को ऐड कर लेना है. तो अब इस गेम प्ले वीडियो का जिस भी पोजीशन पर ये इफेक्ट लगाना चाहते हो वहाँ पर जाकर क्लिप पर क्लिक करके सीज़र आइकन पर जाकर स्पीड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम कर लेना है. उसके बाद यहाँ पर कैप्चर होकर एक इमेज एड हो जाएगा. तो गाइस, अभी आपको इस इमेज पर जो कैरेक्टर दिखने को मिल रहा है, इस कैरेक्टर का आपको PNG क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके से. सो इसका PNG मैं पहले से क्रिएट करके रखा हूँ, तो अभी मैं सिंपली से इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ. तो आप इसका PNG किसी भी एप्लीकेशन से क्रिएट करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए. ओके गाइस, PNG को क्रिएट करके मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ. तो ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से स्क्रीन का बीच पे रख देना होगा. देन गाइस, अभी आपको इस PNG में इसका ग्लोइंग वीडियो क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके से. सो गाइस, इस तरीके ग्लोइंग वीडियो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान एंड ईजी होता है. सो गाइस, अगर आप सभी को इस तरीके ग्लो वीडियो क्रिएट करना नहीं आता तो आप सभी को एक वीडियो मिलेगा आई बटन पर, वो वीडियो को देख करके आप इस तरीके ग्लो इफेक्ट की वीडियो क्रिएट करना सीख सकते हो. और गाइस, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके का वीडियो क्रिएट करना नहीं दिखा पाऊंगा. अगर मैं दिखाने लग जाऊंगा तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो गाइस, आप सभी को आई बटन वाला वीडियो को देख करके इस तरीके ग्लो वीडियो क्रिएट करना सीख लेना. ओके गाइस, अभी तो मैं इसका ग्लो वीडियो को यहाँ पर क्रिएट करके ऐड कर लेता हूँ. ग्लोइंग वीडियो को मैं यहाँ पर क्रिएट करके ऐड कर लिया हूँ. ऐड करने के बाद सबसे पहले क्रॉपिंग पे जाकर इस लोगो को क्रॉप करना है. उसके बाद ब्लेंडिंग पर जाकर इसको स्कैन कर लेना है. देन उसके बाद इस ग्लो को कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर PNG में जाना है उसके ऊपर सेट कर देना होगा. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और ना गाइस आपको अपना चैनल का नाम यहाँ पर लिख देना है. सो गाइस, यहाँ पर आप कैपिटल में या तो स्मॉल लेटर में जो भी आपका मन करे उससे आप अपना चैनल का नाम को लिख दीजिए. तो मैं यहाँ पर इस तरह एडिट्स लिख दिया हूँ. उसके बाद गाइस, अभी आपको AA पर क्लिक करके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है. तो भाई, अभी आप यहाँ पर किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो. तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, तो आप किसी भी अपना हिसाब से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को स्मॉल लेटर पे लिख देता हूँ क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट मेरा मतलब कैपिटल लेटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए स्मॉल लेटर में लिख दिया हूँ. उसके बाद ना इस फॉन्ट को यहाँ पर लाकर रख दो. देन अभी आपको कलर पर क्लिक करके आपको किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेना होगा. उसके बाद अभी आपको यहाँ पर आउटलाइन पे जाना होगा. आउटलाइन पर जाकर इसको इनेबल करना है. देन नीचे पे जो वेट है इससे थोड़ा सा वेट को आपको इंक्रीज कर देना होगा. देन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. देन उसके बाद अभी यहाँ पर फिर से लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पे जाइए और ना गाइस आपको यहाँ पर ब्लेज वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है. और ये जो ब्लेज इफेक्ट है ये ब्लेज इफेक्ट आपको एजेट स्टोर पर मिल जाएगा, तो आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है. और आपको यहाँ पर एजेट स्टोर पर नहीं मिलता है तो ना गाइस मतलब आपका जो KineMaster का वर्जन है वो ओल्ड वर्जन KineMaster है और ओल्ड वर्जन KineMaster पर ये ब्लेज इफेक्ट नहीं मिलता है बेसिकली. तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फोल्डर है वो फोल्डर पर जो पैक है ना उस पैक के साथ यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन वाला KineMaster भी मिल जाएगा. तो सिंपली से लेटेस्ट वर्जन वाला KineMaster को डाउनलोड कर यूज करना है तो ये ब्लेज इफेक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा. तो ब्लेज इफेक्ट को सिलेक्ट करके ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से कैरेक्टर के ऊपर रख देना होगा. ओके, देन उसके बाद अभी आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा और ना गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला सेटिंग है नंबर ऑफ फ्रेज इसको 1 करना है. देन अमाउंट को कुछ नियरली अबाउट 25 कर देना है. देन लाइन स्ट्रेंथ को कुछ 26, देन मोड को 2 रहने देना है. स्पीड कलर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, 45 कर दिया हूँ मैं. उसके बाद स्पीड एंगल को 0. देन यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा. देन गाइस अभी आपका जो वीडियो यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से चलने लगेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है. लेकिन गाइस यहाँ पर आपको सभी को एक और काम करना है जो यहाँ पर है ना ब्लेज इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जाना होगा यहाँ पर शेप पे और यहाँ पर फीडर को फुल कर देना है. देन गाइस अभी आपको इस टेक्स वाला जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और आपको क्यू वाला आइकन पे क्लिक करना है. देन अभी आपको थोड़ा सा आगे जाकर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक डॉट को ऐड करना है. देन उसके बाद इस टेक्स को ऊपर की तरफ लाइक करके कुछ इस तरीके से स्क्रीन का बीच पे रख दीजिएगा. देन फिर से थोड़ा सा आगे जाकर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके टेक्स को कुछ इस तरीके से आपको की फ्रेमिंग कर लेना है. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो गाइस अभी आपको क्या करना होगा कि बैक आ जाना है. बैक आकर फिर से इस टेक्स के ऊपर क्लिक करके इन एनिमेशन पर क्लिक करना होगा और ना गाइस आपको यहाँ पर एक एनिमेशन है जिसका नाम है लेटर लेटर बोल के, तो सिंपली इस लेटर बाय लेटर को सिलेक्ट करना होगा और जो इसका टाइमिंग है इसको 1.5 से ज्यादा कर देना है. ओके, देन गाइस अभी आपका जो वीडियो यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा. ओके, सो गाइस अभी आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर वाला इफेक्ट था वो क्यों नहीं आ रहा है. तो गाइस अभी आप सबको स्क्रीन का बीच पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर वाला इफेक्ट को ऐड करते हैं. ओके गाइस, तो अभी आपका जो वीडियो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है. सो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा. पसंद है तो गाइस आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा. एंड मैं मिलता है इंटरेस्टिंग टोटल वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.